नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हो फिल्मी जानकारी एपिसोड नंबर 2। दोस्तों, आज के एपिसोड में बहुत सारी फिल्मों की खबरें हैं और बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, पहली खबर है प्रभास स्टारर फिल्म कल की 2898 AD के रिलीज डेट के बारे में। हालांकि पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि इस फिल्म को 31 मई को किया जाएगा रिलीज, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिल्म को कर दिया गया पोस्टपोन और ये फिल्म फाइनली आपको देखने को मिलने वाली है 27 जून 2024 को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में, यानी इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड वाइड। फिल्म के स्टार कास्ट में प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हसन और काफी बड़ी स्टार कास्ट जैसे दीपिका पादुकोण। फिल्म को लिखा है, फिल्म को डायरेक्ट किया है नाग अश्विन ने। अब देखना बाकी ये है कि प्रभास की अपकमिंग फिल्म कल की कब्ज पे हिट साबित हो पाती या फिर फ्लॉप। दोस्तों, दूसरी खबर है रामायण फिल्म के बारे में। हालांकि मीडिया में ये खबरें थी कि रामायण फिल्म बंद हो चुकी है और नितेश तिवारी फिल्म बना रहे हैं, लेकिन रिसेंटली में सेट से कुछ तस्वीरें लीक हुई हैं और फिल्म की स्टार कास्ट में वीर कपूर और साई पल्लवी है और ये दोनों सीता और राम का रोल प्ले कर रहे हैं। तो फिल्म का लीक वर्जन है काफी अच्छा और ये कन्फर्म हो चुका है कि रामायण की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये फिल्म आपको अगले साल देखने मिलने वाली है। तीसरी खबर है अक्षय कुमार के बारे में। जैसे कि आप जानते हो कि बड़ी मियां छोटे मियां बॉक्स ऑफिस पे काफी बड़ी फ्लॉप और डिजास्टर हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस साल उनकी 3 बड़ी फिल्में आने वाली है। पहली फिल्म का नाम है स्काई फोर्स, दूसरी फिल्म का नाम है खेल खेल में और तीसरी फिल्म का नाम है वेलकम टू द जंगल, और ये तीनों फिल्में अक्षय का करियर बचा सकती हैं। दोस्तों, चौथी खबर है टाइगर श्रॉफ के बारे में। जब से बड़े में छोटे में फ्लॉप हुई है, उनकी 2 फिल्में यानी हीरो नंबर 1 और रैम्बो की रीमेक बंद हो चुकी है, जहां जियो स्टूडियो दोनों ही फिल्मों में काफी अच्छा पैसा लगा रहा था, लेकिन बड़े मियां छोटे मियां फ्लॉप होने के बाद में जियो स्टूडियो ने फैसला किया है कि ना रैम्बो बनेगी और ना ही बनेगा हीरो नंबर 1। दोस्तों, आज की 5वीं खबर किसी फिल्म के बारे में नहीं है, बल्कि यह थिएटर के बारे में है। जब से बड़े में छोटे मियां और मैदान बॉक्स से फ्लॉप हुई है, मेकर्स ने डिसाइड कर दिया, यानी एग्जीबिटर्स और थिएटर मालिक ने डिसाइड किया है कि ये लोग आने वाले 2 महीने तक अपना मैक्सिमम थिएटर बंद रखेंगे, क्योंकि आने वाले 2 महीने में कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है और सिर्फ आने वाली फिल्म एक कल की ही बड़ी फिल्म है जो कि रिलीज होने वाली है 27 जून तक। इसका मतलब ये है कि अगर किसी मल्टीप्लेक्स में 4 स्क्रीन है, 3 स्क्रीन बंद रहेंगे और सिर्फ एक ही स्क्रीन पे फिल्म दिखाई जाएगी। दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड नंबर 2। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।